हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अमरनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई है। मैंने उसके ऊपर पहले जो दर्शन थे, सबसे फर्स्ट वाले, वो भी आप सबको कराए दूसरे वीडियो में। और आज के लिए मैं बता दूं दोस्तों, यात्रा का जो पहला जत्था गया था, उन लोगों ने दर्शन किया। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ललायत हो रहे हैं। एक ओर जहां इतनी सारी टेररिज्म, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके बाद में भी अमरनाथ धाम में लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, एक और बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि अमरनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल नहीं है, फिर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन जान जोखिम में डाल करके यहाँ आते हैं। दोस्तों, इसकी वजह क्या है, आज मैं आपको बताऊंगी अमरनाथ धाम के बारे में। रुद्र यामल तंत्र में बताया गया है कि सृष्टि में एकमात्र यही एक स्थान है जहाँ पर अमर होने का रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ पर देवी पार्वती के अनेकों जन्मों के भी बहुत सारे रहस्य हैं। और ऐसी कथा है कि भगवान शिव ने अमरनाथ के गुफा में ही देवी पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। शिव जी ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु और वो स्वयं सृष्टि के अंत हो जाने पर तभी भी अनंत बने रहते हैं, यानी कि मरते नहीं हैं। ये है दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको अमरनाथ गुफा की बहुत बड़ी रहस्य की बात, जो हमारे ऋग्वेद और शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, आदि देव महादेव स्वयंभू पशुपति नीलकंठ भगवान आशुतोष शंकर भोले भंडारी, इनको हम सहस्र नामों से जानते हैं और सहस्र नामों से इनकी स्तुति करके इनको पुकारते हैं। शास्त्रों में जगह जगह पर भगवान शिव के महात्म का वर्णन मिलता है और अमरनाथ धाम एक ऐसा शिव धाम है जिसके संबंध में मान्यता है कि आज भी भगवान शिव साक्षात वहाँ गुफा में विराजमान हैं। दोस्तों, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा को कुछ शिव भक्त स्वर्ग की प्राप्ति का माध्यम बताते हैं तो कुछ लोग मोक्ष प्राप्ति का। श्री अमरनाथ यात्रा हमारी एकता का भी प्रतीक मानी जाती है। पावन गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाला हिम शिवलिंग ऐसा दैवीय चमत्कार है जिसे देखने के लिए हर कोई ललायत रहता है और जो देख लेता है वो धन्य हो जाता है। भारत के कोने कोने से, विदेशों से असंख्य शिव भक्त लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस अमरनाथ की गुफा में प्रकृति के इस चमत्कार को दर्शन करने के लिए कितनी ही बाधाएं पार करके पहुंचते हैं। श्री अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक मानी जाती है और माना जाता है कि माता भगवती सती का कंठ यहाँ पे गिरा था। दोस्तों, कश्मीर घाटी में स्थित पावन श्री अमरनाथ गुफा प्राकृतिक गुफा है और यह पावन गुफा लगभग 160 फुट लंबी है, 100 फुट चौड़ी है और बहुत ही ऊंची है। कश्मीर में वैसे तो 45 शिव धाम है, 60 विष्णु धाम है, 3 ब्रह्मा धाम है, 22 शक्ति धाम है, 700 नाग धाम है, असंख्य तीर्थ हैं दोस्तों, पर इन सब में फिर भी अमरनाथ धाम का सबसे अधिक महत्व है। काशी में लिंग दर्शन एवं पूजन से 10 गुना, प्रयाग में 100 गुना, नैमिषारण्य तथा कुरुक्षेत्र से 1000 गुना फल देने वाले श्री अमरनाथ स्वामी का पूजन है। देवताओं की 1000 वर्ष तक स्वर्ण पुष्प मोती एवं पटुआ वस्त्रों से पूजा का जो फल मिलता है वह श्री अमरनाथ की रसलिंग पूजन से एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि श्री अमरनाथ गुफा में शिव भक्त प्राकृतिक शिव हिम शिवलिंग के साथ साथ बर्फ से ही बनने वाले प्राकृतिक शेषनाग, श्री गणेश पीठ और माता पार्वती के पीठ का भी दर्शन करते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से प्रति वर्ष बनने वाले हिम शिवलिंग में इतनी अधिक चमक विद्यमान होती है कि देखने वालों की आंखें चकाचौंध हो जाती है। हिम शिवलिंग पक्की बर्फ का बनता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक सर्वत्र कच्ची बर्फ ही देखने को मिलती है। बहुत बड़ा आश्चर्य है ये। मान्यता यह भी है कि गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री राम कुंड है और भगवान शिव ने माता पार्वती को सृष्टि की रचना इसी अमरनाथ गुफा में सुनाई थी।
इस गुफा की खोज बूटा मालिक नाम के एक बहुत ही नेक और दयालु एक मुसलमान गरेड़िये ने की थी। और वह एक दिन जब भेड़े चराते चराते बहुत दूर निकल गया, एक जंगल में पहुँच कर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने बूटा मालिक को कोयले से बड़ी एक कांगड़ी दे दी और घर पहुंचकर उसने कोयले की जगह सोना पाया तो बहुत हैरान हो गया। उसी समय वह साधु को धन्यवाद करने के लिए गया, परंतु साधु को वहां न पा करके एक विशाल गुफा को देखा। उसी दिन से वह साधु को वहां पे उसने दर्शन किए बाबा के, और वह स्थान एक तीर्थ बन गया। गुफा से जुड़े ऐसे भी रहस्य आते हैं कि एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन अर्थ पधारे, और भगवान शंकर उस समय वन विहार को गए हुए थे। पार्वती जी वहां विराजमान थी। पार्वती जी ने देवर्षि के आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, नारायण नारायण, देवी भगवान शंकर जो हम दोनों से बड़े हैं, उनके गले में मुंड माला क्यों है? भगवान शंकर के वहां आने पर यही प्रश्न पार्वती माता ने उनसे किया। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। दोस्तों, पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि यह सब अमर कथा के कारण है। इस पर पार्वती जी के हृदय में भी अमरत्व प्राप्त करने की भावना पैदा हो गई और वह भगवान से कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। भगवान शंकर ने बहुत वर्षों तक टालने का प्रयत्न किया, परंतु अंततः उन्हें अमर कथा सुनानी पड़ी। दोस्तों, पत्नी के आगे तो भगवान भी बाध्य हो जाते हैं। अमर कथा सुनाने की समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को ना सुने, इसलिए शिव जी ने पांच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वत मालाओं में पहुंचे और श्री अमरनाथ की गुफा में पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। श्री अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वो सर्वप्रथम पहलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग कर दिया। इसके बाद वो चंदनबाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया, और शेष नाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। दोस्तों, प्रिय पुत्र श्री गणेश को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर शिव भगवान ने पांचों तत्वों का परित्याग कर दिया। इसके पश्चात ऐसी मान्यता है कि शिव पार्वती ने इस पर्वत श्रृंखला में तांडव किया। तांडव नृत्य वास्तव में सृष्टि के त्याग का प्रतीक माना गया है, और सब कुछ छोड़ अंत में भगवान शिव ने इस गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। किंवदंती के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन, जो सामान्यतः अगस्त के बीच में पड़ती है, भगवान शंकर स्वयं श्री अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। और ऐसा भी ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान शिव इस गुफा में पहले श्रवण की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को श्री अमरनाथ की यात्रा का विशेष महत्व दिया गया है। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिमशिवलिंग के पास स्थापित कर जाती है, और अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने हुए शिवलिंग की ही पूजा होती है। इस संबंध में दोस्तों अमरेश महादेव की कथा भी मशहूर है। उसके अनुसार आदिकाल में ब्रह्म, प्रकृति, अहंकार, स्थावर यानी कि पर्वत आदि, जंगल, मनुष्य, संसार की उत्पत्ति हुई थी। इस क्रम अनुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, दानव आदि की भी उत्पत्ति हुई। इस तरह से नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्र आदि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में हो गए थे। देवता भगवान सदाशिव के पास आए क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय था, और भय से त्रस्त सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और मृत्यु बाधा से मुक्ति का उपाय पूछा। भोलेनाथ बोले, स्वामी, मैं आप लोगों को मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों की मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला को निचोड़ते समय पवित्र अमृत की धारा बह निकली, और चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर से अमृत की बिंदुएं पृथ्वी पर गिरकर सूख गए।
दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पावन गुफा में जो भस्म है वो इसी अमृत दक्ष बिंदु के कण हैं और सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्यौछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए और देवताओं से कहा, देवताओं आपने मेरे बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है, इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब आप यहीं अमर होकर के शिव रूप को प्राप्त हो गए हैं। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा और भगवान सदाशिव देवताओं को ऐसा वर दे करके उस दिन से लीन होकर के गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव महाराज ने देवताओं की मृत्यु का नाश किया, इसलिए तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ और मनुष्य श्री अमरनाथ जी की जो भी यात्रा करते हैं उनको ऐसी शुद्धि को प्राप्त करते हैं तथा शिवलिंग के दर्शनों से सिर्फ बाहर से ही नहीं भीतर से भी शुद्ध होकर के धर्म अर्थ काम वचन तथा मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। दोस्तों अमरनाथ धाम पहुंचना बहुत ही सौभाग्य की बात है। वहां भगवान शिव के दर्शन करने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है और बाबा बर्फानी की गुफा में प्रवेश करके भगवान शिव की साक्षात उपस्थिति का आदेश हो जाता है। दोस्तों अमरनाथ गुफा में जो प्रवेश द्वार है उस गुफा की एक और बड़ी खूबी है कि यह शक्ति पीठ है और देवी सती का 51वां शक्ति पीठ है। गुफा में भगवान शिव के हिमलिंग के पास ही हिमपिंड के रूप में आदि शक्ति देवी सती के दर्शन को बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है और ऐसा संयोग और अन्य कहीं भी नहीं मिलता जहां शिव और सती के एक साथ दर्शन प्राप्त किए जा सकें। माना जाता है कि इस दर्शन के पुण्य से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। दोस्तों कई पड़ाव आते हैं जिनकी धूलि मात्र से मनुष्य के पाप कट जाते हैं। चंदन बाड़ी के बारे में मैंने बताया जहां भगवान शिव ने चंदन उतार के रख दिया और यहां का कण कण चंदन कहलाता है। शेषनाग नामक स्थान पर भगवान शिव जी ने गले में विराजमान नाग को छोड़ दिया था और ऐसी मान्यता है कि वह नाग आज भी शेषनाग नामक झील में निवास करते हैं और पिस्सू टॉप नामक स्थान पर भगवान शिव ने सिर में वास करने वाले पिस्सुओं को छोड़ दिया था, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार यहाँ देवताओं और असुरों के बीच संग्राम हुआ था जिससे देवताओं ने असुरों को बुरी तरह पराजित कर दिया था, इसलिए यह स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। अमरनाथ गुफा में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालु अमरावती नदी में स्नान करते हैं जिसे देवलोक की नदी मानी जाती है। यहाँ आसपास फैले सफ़ेद रेत को भगवान शिव का भभूत मानकर श्रद्धालु अपने शरीर पर मलते हैं जो आरोग्य को प्रदान करने वाले माने जाते हैं। दोस्तों बाबा बर्फानी का नारा लगाते लोग साधु संत आदि अमरावती नदी का संगम पंचतरणी नदी से होता है जिसके बारे में ये माना जाता है कि पंचतरणी नदी की पांच धाराएं भगवान शिव की जटाओं से निकली है, इसलिए यहाँ आकर के संपूर्ण शिव लोक के दर्शन करने का एहसास हो जाता है। यही वजह है दोस्तों कि अमरनाथ धाम के प्रति श्रद्धालुओं में दिन पर दिन श्रद्धा बढ़ती जाती है और जो भी मनोकामना के साथ मनुष्य वहाँ जाता है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत ही पवित्र दर्शन है। पूरे इस साल के जो भी बाबा के दर्शन है हमने ट्राई किया है कि आप सबके साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। अपने परिवार वालों से, अपने भाई बंद, अपने मम्मी पापा, अपने बच्चों से इसको शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ, अगर दोस्तों अगर आप किसी भी तरह के पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। शिव बाबा से मनाते हैं कि आपके सारे कष्ट दूर करके आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी। बम बम भोले।